चार कदम बस चार कदम चल दो ना साथ मेरे। मोहित कुमार और कनिका कपूर स्टारर शो एक दूजे के वास्ते विल मेक इट्स वे ऑन योर टेलीविजन स्क्रीन्स फ्रॉम द 10th ऑफ फेब ऑन सोनी टीवी एंड रिसेंटली वी विजिटेड द ब्यूटीफुल सेट ऑफ द शो व्हिच इज सेट इन भोपाल एंड टुक अ टूर विद द कास्ट इटसेल्फ। बिफोर वी गेट स्टार्टेड मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर अपडेट्स। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू भोपाल। मैं हूं सुमन तिवारी एंड दिस इज श्रवण मल्होत्रा एंड अब आप हम दोनों के घरों का टूर लेने वाले हैं। तो मैं एक आर्मी फैमिली से हूँ तो मेरा घर भी उसी तरह से डिजाइन है। नाउ लेट्स सी। यहाँ पे एक चीज और ऐड की जा सकती है, खड़ूस फैमिली। बकवास कर रहा है। या वी आर गोइंग टू खड़ूस फैमिली फर्स्ट। नो, वी आर गोइंग टू द नाइस डिसिप्लिन्ड प्रॉपर हाउसहोल्ड फर्स्ट। चुप कर। सो अच्छी फैमिली। हाँ जी। ओ वो अच्छा ये ओके ये मेरी स्कूटी है और ये मुझे पता है किसने गिफ्ट करी है, मेरे चाचू ने और ये मेरी चाची हैं। हेलो मेरा बच्चा, ये मेरी बहुत प्यारी सी बिटिया है और हम लोग इसे बहुत प्यार करते हैं। और ये स्कूटी, इसको मैंने प्रॉमिस किया है कि ये स्कूटी हमेशा आराम से चलाएगी। लाइसेंस इसके पास आ चुका है, हालांकि इनको भी बड़ा शौक है स्कूटी में घूमने का और जाती है घूमने, स्कूल भी जाती है, कॉलेज भी जाती है। हम लोगों का जो परिवार है बहुत ही प्यारा सा परिवार है। मेरी एक बिटिया है कंचन और ये मेरी बड़ी बेटी है और हम लोग पता है एक दूजे के वास्ते, एक दूजे के वास्ते। इसी तरह से हम लोग एक दूजे के वास्ते बने हुए, एक दूजे से प्यार करते हैं। आप लोग हमें देखिए एक दूजे के वास्ते में। और मुझे पहली बार पता चला कि चाची इतना अच्छा गाती है। लेट्स सी द रेस्ट ऑफ द हाउस। दादाजी इधर से आइए आप, इधर से आइए आप। ए खड़ूस नंबर टू। बकवास मत कर मोहित। तो मीट मीट ब्रिगेडियर तिवारी, माय दादू। हाँ जी, आ जाओ इधर आ जाओ। यस हाँ जी। हाँ क्या हो रहा है एक दूजे के वास्ते है? अरे ओहो हो, हेलो जी, कैसे हैं आप? देखा आपने हमारा घर? अभी नहीं देखा। अभी नहीं देखा? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, वेरी गुड। तो आप हमारा घर देखिए कि ये घर एक दूजे के वास्ते कैसा है। और ये हाँ नहीं, ये एक दूजे के लिए बात नहीं है, ये बात है होल फैमिली एवरीबॉडी कि एक दूजे के वास्ते कैसे क्या होता है, कैसे रहते हैं। तो ये सीरियल जो है और जो सब्जेक्ट है एक दूजे के वास्ते, ये वो है कि हर एक ऑल फैमिली, बच्चे बूढ़े सब एक दूसरे के वास्ते कैसे रहते हैं, कब कब किसके लिए कौन खड़ा है, किस तरह एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, ये उसके ऊपर है। आप लोग देखिए, इन्जॉय करिए और फिर इन दोनों को भी इन्जॉय करिए। अच्छा भाई, ये शर्मन, ये तो बहुत इत्तेफाक की बात क्या है कि ये जब मिला तो चोरी करते हुए मिला। तो अब मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई चोर है और पड़ोस में आ गया है। तो पहले तो बड़ा हमें उससे वो लगा, डर हुआ कि ऐसा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ है। धीमे खैर फिर धीमे धीमे पता लगा कि भाई नहीं नहीं पसंद नहीं आएंगे पर मेरी पर धीमे धीमे मालूम हुआ कि भाई जो सिविलियन है, हम सोचते हैं कि सिविलियन कुछ ऐसे ही रहते हैं जिनमें डिसिप्लिन नहीं है, बट फिर कोशिश करता है कि हम उस तरह उस पैमाने पे आए। पर देखते हैं, लेट्स सी आगे कितनी कोशिश, देखें कितनी कामयाब होती है इनकी। अब भाई मुश्किल तो होगा क्योंकि अब जाहिर सी बात है कि भाई जो डिसिप्लिन होती है और आर्मी वाले स्पेशली, तो वो एक बहुत ही कड़क तरीका होता है और उस डिसिप्लिन से चलना चाहिए। मेरा ख्याल सभी के लिए ज़रूरी है लाइफ में। और आप लोग अब घर ले जाएं, जा घर। हाँ जी, यस लेट्स गो। एंड शी इज माय सिस्टर कंचन। हाय। एंड जितनी डिसिप्लिन आपको सुमन दिखी होगी अब तक, आई एम कंप्लीट ऑपोजिट। मैं ज़्यादातर लड़कों में इंटरेस्टेड रहती हूँ और आर्मी में बिल्कुल भी नहीं। सो आई एम मोर ऑफ द सिविलियन टाइप। टेल देम व्हाट डू यू वांट टू बी व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू ग्रो, व्हेन यू ग्रो। हाँ, सो आई वांट टू बिकम अ पास्ट लाइफ रिग्रेशनिस्ट। दैट्स सो कूल। जब मैं बड़ी होती हूँ, या सो दैट्स समथिंग आई वांट टू डू। एंड या वी बोथ लव ईच अदर। या
That's Devika. She's Hi. My best friend. He's also my best friend. Anish. Guys, oh. we all from the army. Yeah, we the army brats. Yes. And this one is my go-to person right here. So, meri life mein koi bhi dikkat hoti hai na, I go to her. Yeah, we are Suman's friend. And we are in the army school actually. And I do not know what I'm doing here. Actually, ye mujhe pick up drop ke liye use karti hai. Show me. सबसे ज्यादा रूल्स तोड़ेंगे आर्मी स्कूल में बेसिकली क्या होता है कि बहुत डिसिप्लिन मेंटेन करके चलना एक्चुअली रूल्स तोड़ने वाला ये है मैं इसको तो जब ये रूल्स तोड़ेगा तो मैं इसको तोड़ूंगा रूल्स तोड़ने का अपना ही फन है नहीं हम रूल्स नहीं तोड़ते एग्जैक्टली हम आर्मी के बच्चे हैं बट आगे आगे शो में देखिए सुमन इज गोइंग टू बी द वन जो सबसे ज्यादा रूल्स तोड़ने वाली है आई डोंट थिंक दैट्स गोइंग टू हैपन बट लेट्स सी His favorite part is looking at himself in the mirror. And meet my father Hello. And my mother. Hello. Hi. What all do you have to say? They're not asking you. पूछिए नहीं नहीं हम बिल्कुल डरते वरते नहीं है हम सारे बहुत हम आर्मी वाले हैं हाँ डर कैसे सकते हैं हम डराने वालों में से हैं राइट तो आर्मी की यूनिफॉर्म में आप जी कैरी किया आर्मी के गेटअप को मतलब लग तो मुझे तो लगा रियल है पहले तो फिर बताया नहीं तो फिर तो मैंने कैरी किया है यार आपने अपने क्वेश्चन का खुद ही आंसर दे दिया हाँ सो मैंने ट्राई किया है जितना मैं कैरी कर सकता हूँ लेकिन आई होप कि ये एक बार ब्रॉडकास्ट हो जाए तो सही पता चलेगा ऑडियंस बताएगी कि ये सही से हो पाया कि नहीं बट मैंने ट्राई किया है पूरा कैरी करने का आर्मी ऑफिसर की तरह कि मैं कर्नल लगूँ जस्टिफाइड करूँ उसको हाँ चुड़ाई रियल का मज़ा बिल्कुल अलग होता है एक्चुअली आप स्टूडियोज़ में शूट करते हैं तो वो एक आर्टिफिशियलिटी आ जाती है वहाँ पे और जिस सिटी का कहानी है अगर उस सिटी में ही आप शूट करते हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है सो उसका मज़ा बिल्कुल अलग है ओरिजिनल लोकेशंस पे आप शूट करते हैं जब श्रवण श्रवण मेरे दोस्त का बेटा है भाई साहब तो मैं जानता हूँ उसको बिल्कुल इन सब का परिचय मेरे थ्रू है श्रवण का के साथ एक्चुअली दादाजी ने रिजेक्ट कर दिया हाँ दादाजी का जो इनके साथ पहला एक्सपीरियंस है वो थोड़ा अच्छा नहीं रहा था वो आप स्टोरी में देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसलिए ऐसा है अदरवाइज दादा क्यों ऐसे करते नहीं हरकतों की वजह से ऐसा करते होंगे है ना बदमाश लगता है ना ये थोड़ा और कैरेक्टर भी उसका वैसा ही है तो मे बी इसलिए दादा थोड़े स्ट्रिक्ट हैं हमारे बट हाँ आई एम श्योर ही इज़ अ नाइस पर्सन और कैरेक्टर वाइज भी बहुत अच्छा कैरेक्टर है बट सिंस क्या होता है कि कोई एक बच्चा बहुत नॉटी होता है क्लास में तो उसको कैसे टीचर यू नो भले उसने कुछ किया हो ना किया हो हमेशा उसको पनिशमेंट मिलती रहती है तो शायद श्रवण के केस में भी यही है सी ये तो मेरी बिल्कुल जैसे मेरी फ्रेंड होते हैं ना बिल्कुल वैसे है मेरी मम्मी शी इज लाइक माय फ्रेंड एंड माय फादर इज समवन दैट मुझे प्यार है मैं इतना आई लुक अप टू हिम इवन इन माय रियल लाइफ लाइक व्हेन आई सी यू शूट आई एम बीइंग ऑनेस्ट आई जस्ट लाइक लुक एट यू एंड लर्न फ्रॉम यू सो इट्स दैट एंड विद हर इट्स लाइक इट्स ऑल लाइक शी इज नॉट शी इज लाइक माय फ्रेंड वी आर क्वाइट चिल्ड आउट लाइक यू नो वी आर मोर लाइक सिस्टर्स रादर देन मदर डॉटर वो काइंड ऑफ अ थिंग मतलब ये इमोशनल सपोर्ट है और ये मॉरल सपोर्ट आप हम कह सकते हैं हां और मुझे जो वो है मुझे वो सेम बनना है अपनी लाइफ में जैसे वो हैं सो दैट यहीं बैठ के खाना खाती है तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे सीन्स होते हैं सो मुझे हाँ यस यस एग्जैक्टली तीन चार सीन्स एक एपिसोड में से डेफिनेटली
डाइनिंग टेबल के होंगे ही, बट हर सीन में एक ना एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज श्रवण। यस यस, बात करने के लिए भी मैं ही हूं, है नहीं बात करने के लिए मेरे पास। नहीं एक्चुअली हम शो में दिखा वो पार्ट रहे हैं, डिस्कस तो हम बहुत कुछ करते होंगे। अच्छा एक पिक्चर खाली जाने से पहले, वहाँ एक पिक्चर बहुत इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल है, उस पिक्चर के बारे में थोड़ा सा उस तरफ चले आइए। ये तो हम लोगों का एक नहीं सेकंड की बात करेंगे, अब नहीं शुरू यहाँ से करते हैं। सो ये तो हमारा एक फैमिली पिक्चर है जिसमें मैं, मेरा छोटा भाई और मेरे फादर जो हैं उनका ये पिक्चर क्लिक किया हमने। और जो नीचे वाली फ़ोटो है वो मेरी और सुमन की फ़ोटो है, जब एनसीसी से वापस आई थी ये, तो तब हमने ये फ़ोटो क्लिक की थी, दोनों हम अपने यूनिफॉर्म में थे। सो मुझे भी ये फ़ोटो बहुत पसंद है, और अभी दो डेढ़ मिनट पहले मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक की है, बताए हाँ अपने फ़ोन में एक्चुअली। यस चलिए आप इनको लेके जाओ, दिखाओ। हेलो करना जी, ओके बाय। अब हम मेरे घर का मेरा फेवरेट पार्ट पोर्शन देख रहे हैं, विच इज कंचना मेरा रूम। तो ये है मेरे घर का मेरा फेवरेट पार्ट, कंचना मेरा रूम। देखो ये कितना सुंदर है, ऊपर लाइट्स देखो, कितनी डिफरेंट और यूनिक है। कल थी, हम हमेशा से गरीबों का बेड। हाँ ये मेरा बेड है, यहाँ पे मैं सोती हूँ, यहाँ पे मेरी बहन सोती है कंचन, और सुबह मैं उसको यहाँ पे मार के उठाती हूँ। और ये हमारी क्यूट क्यूट फोटोग्राफ्स हैं, ये अलार्म से मैं उठती हूँ। यू डू, इट्स सो क्यूट ना। एंड अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चुप, ये कंचन की कबर्ड है, ये मेरे सारे मेडल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मैं हर चीज़ में जीतती हूँ, तो ये मेरे सारे मेडल्स हैं। और ये कुछ कुछ कोट्स हैं जो मुझे इंस्पायर करते हैं, ये कंचना मेरी फोटोग्राफ, और ये सुमन तिवारी, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बहुत अच्छी हूँ पढ़ने में, और ये मेरे सारे मेडल्स, और ये हमारे ताऊ जी की फोटोग्राफ है कर्नल भी, और ये मेरी कबर्ड है, चुप, और ये मेरे दादाजी के साथ मेरी फोटोग्राफ और कंचन की फोटोग्राफ है। व्हाट, और ये हमारा टेबल है, ये कंचन का कॉर्नर है, ये सब कंचन के टाइप की चीज़ें हैं जो उसको पसंद है, सारी ऐसे ऐसे क्या बोलूँ, पता नहीं वो मादी कॉकरोच कहाँ पर। और यहाँ पे मैं कभी कभी स्केचिंग करती हूँ, सुमन को स्केचिंग करना पसंद है, और वो हमारी फोटोग्राफ्स यहाँ पड़ी हैं, हमारी बचपन की फोटोग्राफ्स हैं। रुको, कंचन की भी होगी यहाँ पे, ये कंचन की, हाँ मैं बनी रैबिट थी बचपन में ऐसे। और हमारे पास हमारी बहुत सुंदर बालकनी भी है, जहाँ से हम श्रवण के घर में अमरूद मारते हैं, वो हमारी फेवरेट हॉबी है। सो दिस इज़ द बालकनी, और ये है मेरी बालकनी में मेरा झूला जो कि मुझे बहुत पसंद है। सुमो, हाँ, और ये आ गया जो कि मुझे बिल्कुल ना पसंद है। घर देख लिया, अब चलो मेरा भी घर देखते हैं भाई, बस दैट्स इट, हो गया बोरिंग घर, मेरे घर, लेट्स गो, चलो लेट्स गो टू मल्होत्रास। यस, बस पैसे ज्यादा नहीं होते कुछ लोगों के पास, तो लाइफ को बस एंजॉय करना है। मिलिए श्रवण के मम्मी पापा से। बिजनेसमैन डैड फर्स्ट, ही इज ऑलवेज ऑन हिज फोन, ऑलवेज ऑन फोन, बिजनेस मीटिंग्स, एंड ही इज ऑलवेज ऑन द कॉल। पापा कहाँ लेके जाओगे इतना पैसा? नमस्कार नमस्कार, आइए हमारे घर में आइए, ये छोटा सा घर है लेकिन बड़े दिल वालों का घर है, आइए। मेरा बेटा जो है वो कोई नॉलेज कम जानकारी, ऑलवेज अलाउ माय डैड फर्स्ट। लेडीज, तो एक तरफ तो बिजनेसमैन फैमिली है, एक तरफ आर्मी वाली है, तो ये सबसे पहले कॉम्बिनेशन ही काफ़ी अच्छा है कि अगर इतना, तो थोड़ा अपने बारे में अगर आप बताएं आप एक एक करके। तो देखिए ऐसा है, हम एक्चुअली गुड़गांव में रहते थे, बहुत बड़ा बंगला था हमारा वहाँ, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ पर जो आर्मी में काम करते हैं गुड़गांव, और हाँ गुड़गांव में तो हमारा बंगला है, भूल गया तू, सेक्टर 41 में। तो हम वो छोड़ के भोपाल में रहने आए हैं, और यहाँ आके हमने ये वाला बंगला लिया है आर्मी कॉलोनी में,
ताकि मैं अपने सबसे अच्छे दोस्त के घर के पास नहीं रहूं, क्योंकि मैं बेसिकली आर्मी इक्विपमेंट सप्लाई करता हूं और मैं बहुत ही खुददार इंसान हूं और सबसे बढ़िया इक्विपमेंट मैं आर्मी को सप्लाई करना चाहता हूं उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी लाइफ के लिए, तो इसलिए मैं यहां आके मैंने यहीं घर लिया है। ये कैसा बॉन्डिंग बॉन्डिंग ऐसा दिखने वाला, मतलब मेरा पापा का तो मतलब पूछो मत। ऐसा ऐसा होता है कि बाप और बेटे तो आपको आप जानते हैं किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। माँ ने इसको बिगाड़ के रखा हुआ है। मेरी कोशिश है कि ये मेरी तरह थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाए और मेरी तरह सक्सेसफुल हो जाए लाइफ में, उसके लिए थोड़ी सी मेरी इसके साथ नोकझोंक होती है, बट अदरवाइज ही इज़ अ ग्रेट गाय, वंडरफुल बॉय एंड आई लव हिम टू द मून। पहली बार बोला पापा ने ऐसा एंड बैक बोलते नहीं। एक्चुअली आप ये कह सकते हैं कि मैंने इसको राह दिखाया, बाकी चलना इसका काम है। और आज की तारीख में आप अपने बच्चों को किसी भी राह पे जब तक नहीं चला सकते जब तक वो खुद ना कन्विंस हो जाएं उस राह पे चलने के लिए। बिगड़ने नहीं दे रहे मुझे बस ये। बस क्यों आप कुछ कह रहे हैं क्या आप कह रहे हैं? मीट माय मामा, मिसेज मल्होत्रा से जी। और मेरे मतलब घर सजे ना सजे लेकिन पराठे जो है ना वो माई हस्बैंड कैन नॉट मिस। तो आई एम द वन जिसकी वजह से ये लड़का जो है आप बिगड़ा हुआ है और एवर जो भी आप कहें, पर ये वो बच्चा जो ये हरकतें करता है, इनडिसिप्लिन है उसका सब जो सारा जो हाँ मतलब सब गुनाह मेरा है लाइक दैट। एंड बस सब दूध पिलाना, बादाम मिल्क शेक्स एंड बनाना मिल्क शेक्स, पता नहीं क्या क्या है। यस सो आई जस्ट कीप फीडिंग दीज गाइज एंड सो अरे तो देख लो बस, बड़े मज़ेदार सी फैमिली है, क्यूट सी दिख रहे हैं हम आपको, क्यूट क्यूट से सारे। तो प्लीज़ आप हाँ फ्रेंड्स हाँ सब आएंगे, आप बस शो देख लेना। यस लो हाय, हाय हम अवनी और मैं श्रवण की बहुत टांग खींचती हूँ एंड एवरीवन नोस। और आप कुछ बोलना चाहते हैं मेरे बारे में? इसके बिना मेरा दिल नहीं लगता घर पे, कोई तो होना चाहिए परेशान करने के लिए, किसी को तो बोलूँ चल ये कर चल वो कर मेरे लिए कर दे मेरे लिए वो कर दे। एग्जैक्टली ये तो मैं इसी को परेशान करता हूं। हाँ मैं इसे जितना परेशान करती हूँ ना ये उससे डबल मुझे परेशान करता है एक्चुअली। बंटी So Bunty is here, bestest friend और हमारा family friend। मैं सब जगह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ और हाँ नहीं Bunty श्रवण वाला ही है। सब रिवील कर दो यही है ना। अच्छा तो ये मेरा बहुत खास दोस्त है और आगे जाके मेरी सुमन भी बहुत खास दोस्त बन जाएगी और ये तो है ही, ये तो मुझे बनाती है और ये मुझे सो अरे अरे मुझे बोलने और श्रवण जो है वो मतलब मुझे कुछ ना कुछ यू नो मस्ती वाली हरकतें कराता रहता है और मैं भी उसके साथ करता रहता हूँ, उसकी हेल्प भी करता रहता हूँ। यार हम दोनों हाँ लंगोटिया यार है और एंड मैं इन दोनों को फंसाती हूँ एक्चुअली। हाँ वो है कभी कभी 8th एपिसोड। इसके बिना मेरी जिंदगी मतलब सोनी सोनी तो लगती है मुझे। इसके बिना जब तक ये ना हो तब तक मजा नहीं आता शरारत करने में। हाँ वो तो है और मुझे भी मजा नहीं आता नहीं जब हम यहाँ होते तो हम बॉम्बे को मिस हाँ। करते बैकअप की बात करते हैं और जब हम बॉम्बे में होते हैं तो फिर हम यहाँ मिस करते हैं। एग्जैक्टली एंड हम ऑन स्क्रीन जितने अच्छे फ्रेंड्स हैं हम ऑफ स्क्रीन आई थिंक उससे भी ज़्यादा बहुत क्लोज हो चुके हैं अभी फिलहाल भोपाल आने के बाद स्पेशली। एंड मी एंड मोहित तो लाइक वी शेयर सॉरी मी एंड श्रवण अवनी एंड श्रवण बट ऑफ स्क्रीन मी ताक्षी एंड मोहित वी शेयर वेरी स्पेशल बॉन्ड बिकॉज लाइक वी बोथ केम फ्रॉम द मिडिल क्लास फैमिली एंड स्ट्रगल वॉज सेम एवरीथिंग वॉज लाइक काइंड ऑफ सिमिलर। तो वैसे आई एम सॉरी आई एम गोइंग टू नेक्स्ट लेन। तो घर चलो यार चलो। पापा घर दिखाता हूँ इनको घर दिखाते हैं लेट्स गो। हमारी दो गाड़ियाँ और एक मोटरसाइकिल है वो अभी हटा रखी है इन लोगों ने हम आपको बाद में दिखाएंगे प्लीज चलो लेट्स गो। बहुत हो गया गरीबों का घर अब अमीरों के घर में आओ। माय फेवरेट स्पॉट वंस अगेन सुमन को पैर रखने दो।
Our dining table. This is the first time she has walked into a house. Yep. So this is our dining table. Very auspicious occasion. हाँ बिल्कुल वाकिफ हूँ सर, मेरे सबसे अच्छे दोस्त की बेटी है और बहुत होनहार लड़की है और सिद्धांतों की एकदम पक्की है और मैं चाहता हूँ कि इसका कोई असर इस लड़के पे पड़े ताकि इसके कुछ गुण इसमें आ जाएं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, शादी तक तो शादी के लिए अपने बच्चों को कभी फोर्स मत करना, अभी नहीं, वो मैंने वो और बाप होते मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन ये हकीकत है कि इसे अपने आप को उस लायक बनाना पड़ेगा वरना मैं उस लड़की की जिंदगी खराब नहीं देखना चाहता है ना, तो मेरा बेटा होते हुए भी मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने आप को उस लायक बनाए। बिल्कुल बिल्कुल, हम सब क्लैप करते हैं बंटी अचीवमेंट पे। बंटी वैसे तो मैं इससे बहुत नाराज हूँ क्योंकि इसको डिस्ट्रैक्ट करता रहता है लेकिन ये लड़का बहुत अच्छा है, इसे भी मैं सुधारने वाला हूँ, ये भी सुधरेगा बहुत जल्दी, बहुत जल्दी मैं इसको सुधारूंगा। क्यों नहीं नहीं बोल रहे, आई शो यू माय मम्मास फेवरेट प्लेस। यस मम्मास फेवरेट प्लेस जहाँ पे मेरी मम्मी 24 घंटे रहती है, दैट्स आवर लग्जूरियस किचन। जिन्हें रखना होता है अपने बच्चों का ख्याल है उन्हें रहना पड़ता है किचन में। ये कंपल्शन है और ये वो खूबसूरत जगह होती है जो कहते हैं ना एक पूजा और दूसरी पेट पूजा। तो पेट पूजा के लिए पेट ये रह गया। साहेब हाय, मेरा चड्डी बड्डी स्कूल में बंटी आउटसाइड द हाउस खिलाया, पतला हो रहा है मम्मी। मैं साहेब हूँ आंटी, मैं इसका स्कूलमेट हूँ, क्लासमेट हूँ, क्लासमेट है, दोस्त भी धीरे धीरे आते लगेंगे घर पे। तो मैं ऐसा लोग है ये भी आ गए, मामा खाना खिला उसको, बढ़ती तो है, ये मुझे हर मुसीबत से बचाता है। पंजाबियों का घर है, कभी खाली पेट नहीं जाने देता किसी को अपने घर से, तो खिला पिला के ही भेजता है। तो आप कभी भी आइए, यहाँ आपको बड़े अच्छे पराठे खाने को मिलेंगे जो मैंने एक बार शूटिंग करते करते कुछ लोगों को खिलाए थे। तो दे वर रिलिशिंग एंड यस बिल्कुल मक्खन मक्खन वाले मेरे मेरे ऑन स्क्रीन पति ने भर भर के, मतलब ही जस्ट लव्ड इट, इसे नाश्ता नहीं आया था और इतने गरम गरम पराठे को छोड़ता है इतने अच्छे मौसम में। सो यस ना किसी को नहीं पता, ये राज है, किसी को नहीं बताना आप भी। मामा पराठे बनाओ। हाँ बस ठीक, चलो नेक्स्ट प्लेस। ये हमारा हॉल, सो नहीं नहीं नहीं, दिस इज द प्लेस वेयर आई लिव मोस्ट ऑफ द टाइम, चिलिंग प्लेस। यहाँ हम पिज्जा खाते हैं, टीवी देखते हैं, अयाशी करते हैं, सोफे में सोता हूँ और वो है मेरे पापा का फेवरेट स्पॉट। क्यों नहीं है, किधर है? कहाँ है मंदिर, कहाँ है हमारे घर पे मंदिर है? कविता कुछ खाने को बना दो, भूख लगी है। मुझे घर का काम वो नहीं हो लेकिन पराठे आपको जरूर मिल जाने चाहिए। ये हमारा छोटा सा वार्म सा अच्छा सा प्यारा सा रूम। हमारी ये फैमिली पिक्चर। अरे हाँ, देयर इज अ नाइस पिक्चर, इट्स अ नाइस फैमिली पिक्चर, प्लीज हैव अ लुक। आइए, इतनी खूबसूरत फैमिली है, प्लीज मिस मत कीजिएगा। मॉम डैड अवनी सिस्टर चाचू चाची। Look at that handsome boy. तभी तो सुधारना है। कहाँ? Next. My bedroom. इसका bedroom. Photo frame. Me and my sister. Avni, alone. Alone. Mama, also alone. Chachu and. घर में प्यार की बारिशें हैं। कहाँ हैं? मैंने देखा नहीं कभी। मैंने कभी देखा नहीं एक्चुअली। हमारे घर में सिर्फ शो ऑफ है, बहुत पैसा है एक्चुअली, इतना पैसा समझ नहीं आ रहा, जस्ट लुक मतलब समझ नहीं आ रहा इतना पैसा कहाँ से आया। पापा क्या कर रहे हो बिजनेस में? ये पेड़ जो आप देख रहे हैं हमारे घर में, इस पेड़ की बहुत बड़ी कहानी है। हम लोग जब पहली बार कविता जी और मैं मिले थे तो इस पेड़ के पास ही मिले थे हम लोगों, और ये पेड़ हमारे प्यार की गवाही है और ये पेड़ को हम तब से अपने साथ लेके चल रहे हैं। गुड़गांव में हमारे बंगले में था, वहां से हम इसको गमले में डाल के हमने वहां से ट्रांसपोर्ट किया और इसे यहाँ लेकर आए। ओके, बहुत सारे घोड़े
घोड़ों का मुझे बहुत शौक है, हमारा एक स्टड फार्म भी है बेंगलोर में। नहीं नहीं, तेरे को मैंने ये सब बातें नहीं बताई हैं क्योंकि फिर तू बाद में जायदाद में मांगेगा मुझसे। एक हमारा बेंगलोर में स्टड फार्म है, उसमें हमारे कुछ 6-7 घोड़े हैं और ये देखिए कितने 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस घोड़े से हमने शुरू किया था, ये रेस का घोड़ा है। इसके इसके ये बच्चे हुए, ये बच्चों के बाद ये नस्ल फिर यहाँ पैदा हुई और अब ये हमारा मतलब खानदानी घोड़ों का बिजनेस चल रहा है। पापा टाइम टू गो इन टू माई बेडरूम। मैं कभी जाता नहीं हूँ, मैं तभी जाता हूँ जब सर से पानी एकदम ऊपर कम और ये लड़का नहीं आता है नीचे, सफाई नहीं करता है। माय रूम, बेडरूम तो आपने बहुत देखे होंगे, अब श्रवण मल्होत्रा का बेडरूम देखिए। टून कौन है ये लोग इतने सारे? मैं नहीं जानता इन लोगों को। क्या हो रहा है? सो दिस इज माय हाउस। ओह माय गॉड, पहली बार रूम इतना साफ। पहली बार रूम सच में साफ है। ये मैंने किया, मैंने। आप मुझे रोज आएगा बेटा घर पे। आई विल शो यू माय फेवरेट स्पॉट फर्स्ट। सो दिस इज कहां गई फोटोज? फोटो कहां गई? मेरे गर्लफ्रेंड्स की फोटो कहां गई? सॉरी, यहां पे पूरे इसके अलग अलग लड़कियों की फोटोज थी जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड्स थी। एक्स गर्लफ्रेंड्स यहां पे बहुत सारी फोटोज थी। कहां चल पापा, कहां गई फोटोज? वो मम्मी ने दिखा दी। मम्मी ने दिखा दी बेटा, मम्मी के सामने मत बोल ना। दिस इज मी, दिस इज मी। पापा लेट हैं सारी गर्लफ्रेंड्स। ये प्यारी प्यारी चीज ये देखो, रीड दिस वन। If I told you I missed you, you would come back? She said no. मेरे हटा दी। जो medals हैं वो, जो trophies आपने जीती हैं। ये badminton में। ये Pulela Chung ने दिया था मुझे, कहाँ गया? Look. क्या नाम था उसका? Pulela Chung trophy था जो भी था। Pulela Gopi Chung. Shravan Malhotra. So that's my medals. मतलब जरूरी है सिर्फ तिवारी के पास ही सब कुछ हो। शायद इसने खरीदे हैं। है? शायद हाँ, हमें अभी तक जाने हैं। इनके घर पे नहीं है, मेरे घर पे भी हैं। वहाँ पर भी। Finally, yeah. वो मेरे medals हैं, मेरी trophies हैं। Look at these. Oh, अच्छा ये photos नहीं है, दिखा सकते। I forgot. So, this is my trophy case. कपड़े मेरे पास हैं नहीं actually, अभी पता नहीं कहाँ गए। कपड़े कहाँ, मुझे कुछ नहीं पता। मेरा रूम कैमरा भी दिख रहा है, कैमरा का पेंटिंग। लुक एट द पेंटिंग। अरे इसके शुरू में ये सब है, ये सब है, ये फुकरा बनते है, सब शो ऑफ है, सब शो ऑफ है इस घर में। जस्ट लुक एट द व्यू, दैट्स इट। बस दैट्स इट, खत्म। मैं काफी आर्टिस्टिक मालूम होते हैं श्रवण। बस पूछो मत। बालकनी, 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 बालकनी। दैट्स आल्सो मी, दैट्स आल्सो मी। या तो ये वो बालकनी है जहां से मैं सुमन को रोज छेड़ता हूं रात को। यहां से आपको साफ दिखेगा तिवारी खानदान, वो मेरा घर। मैं रोज चिल्लाता हूं यहां से सुमो। तो श्रवण जी के कमरे में ना नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो वो क्या करता है कि ये नोटिस भी नहीं करता कि अभी मतलब नहा के तौलिए में बाहर आया या कैसे बाहर आया। फोन आया तो क्योंकि नेटवर्क नहीं आ रहा था, सीधा बालकनी में। हेलो, कोई है क्या? किसी को कोई और लेना देना नहीं। ये सुमन सामने खड़ी होती है उस टाइम, देख के बोलती है शी सिविलियंस। सब ऐसे रहते हैं सिविलियंस यार, अब घरों में नहीं रहते, हम टॉल बांध के रहते हैं यूजुअली लड़के। फेस पैक लगा के मैं यहाँ लेटता हूँ दिन में इस स्पॉट पे। मतलब बेटा घर के अंदर करो ना ये सब चीजें, ये बाहर क्या। सो दिस इज माई स्पॉट, मैं यहाँ पे फेस पैक लगा के लेट जाता हूँ दोपहर में। तो ये कह सकते हैं कि नोकझोंक प्यार की पहली सीढ़ी होती है, तो नोकझोंक से ही आपकी शुरुआत होने वाली है। ये बालकनी, ये बालकनी से उस बालकनी, ये अमरूद छक्के मारती है मुझे। अमरूद लिटरली मैं यहाँ खड़ा हूँ, अमरूद आता है मेरे सर पे, मैंने कहा कौन है बे? और पीछे से ऐसे कौन करते हैं? ये जो आर्मी वाले, इनको कुछ ना गोला बारूद, कुछ ना कुछ चाहिए फेंकने के लिए। सो आई होप आप लोगों को मेरा घर बहुत पसंद आया होगा। इन इन लोगों के घर से बहुत अच्छा था, पर आई होप आपको तिवारी हाउस ज़्यादा पसंद आया होगा। यक, बकवास, पीला, बोरिंग, प्लीज शो ऑफ। एनी वे, सो आप हमारी खट्टी मीठी लव स्टोरी को ज़रूर देखिएगा फ्रॉम द 10th of Feb 9:30 PM ऑनवर्ड्स ऑन सोनी टीवी। एक दूजे के वास्ते पार्ट टू, सीजन टू, सीजन टू। एक्चुअली एक्चुअली मेरे लिए देखना, सारी मस्ती मैं ही करने वाला हूँ शो में।
Hey guys, check out our revamped website at www.indiaforums.com to get your daily dose of entertainment. Hi, this is Kanika. Hi, this is Mohit Kumar. And you guys are watching us on India Forums. We hope that you guys enjoyed this tour. If you did, do comment and tell us. Also, don't forget to subscribe to India Forums, addiction at its best. Simran Mishra, camera person Babaji, India Forums, Bhopal.